गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी प्लांट्स को देखूं, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें कुछ करना है, तो अभी मॉर्निंग को ही करूंगी। 6:30 हो गया है, नहीं तो थोड़ा मतलब लेट होने से ना बहुत धूप आता है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या प्लांट्स हैं। चलिए देखते एक साथ। ये हमारे रूम से निकलते ही एक मनी प्लांट है जो भरपूर ओवरलोडेड हो गया है। ये इसको काटना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लास्ट टाइम जब आई थी तब दीदी ने काट दिया था बहुत सारा। अभी फिर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं इसमें सॉइल भी डालना होगा। ये सॉइल भी कम हो गया है और इतना धूल वॉश भी करना होगा इसे। और उसके बाद इस कॉर्नर में है एक ये लकी बेम्बो है जो बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। अभी चलते हैं बाहर। बाहर निकलते ही ये एक प्लांट है, मुझे इसका नाम पता नहीं, बट दिस वन इज़ माय फेवरेट प्लांट। लाइक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये कितना सुंदर है। पूरा मतलब आर्टिफिशियल लगता है ये एकदम। वो टी होता है ना कोई कोई, जो बेसिकली साइना में उगता है ना, वो वाला टी प्लांट जैसा लगता है, मतलब लीव्स बहुत। ये एक बोगनविला है, इसको भी टब में ही दिया था। ये बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो गया है, इसमें फ्लावर भी आया है। वाओ, फर्स्ट टाइम देखा मैंने इसमें फ्लावर हमारे घर का वाले में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना साउंड। और इसका नाम मुझे पता नहीं, ये बहुत कॉमन है। ये है एक एलोवेरा, ये फिर से एक वैरायटी ऑफ मनी प्लांट है। ये भी काफ़ी सुंदर है। ये इसका जो वो है ना लीव्स थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा ठीक है एंड थोड़ा जूसी जूसी टाइप का है। ये भी कुछ बहुत सुंदर है। और ये वाला भी कॉमनली प्लांट है, मतलब मिलते हैं हर जगह पे। हमारे यहाँ बहुत धूल आता है ना हमारे यहाँ। और यहाँ आते ही ये वाला फ्लावर, इसमें बहुत ज़्यादा काटा है, पर इसका फ्लावर बहुत अच्छा होता है। जब पूरा भरपूर हो जाता है ना, मतलब भर जाता है ना प्लांट, तब बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसका फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है। अभी नहीं आया, जब आते हैं बहुत मतलब अच्छा लगता है। मुझे नाम नहीं पता होता है इतना ज़्यादा। ये भी एक है, इतना सुंदर। यहाँ पे एक स्पाइडर प्लांट, ये एक प्लांट, मुझे नाम नहीं पता। ये एक है, ये शायद आंटी ने दिया था, मेरी दीदी की मदर इन लॉ ने, वो शायद रोड साइड से लाया है। उसे भी प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और ये तो रोड साइड में मिलता ही है, हमारे घर पे बहुत पहले से ही था ये। हाँ, ये रोड साइड में मिलता है, मैं बचपन से देख के आई हूँ इसको। ये वाला ख़रीद के लाए थे, इसको इसका नाम पता नहीं मुझे। बहुत अच्छा है ये भी। इतना गाड़ी का साउंड, बाप रे बाप, इतना मॉर्निंग को ही, तो यहाँ पे तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी। ये एक है, नाम तो मुझे नहीं पता बाय द वे। और ये एक रोज़ प्लांट, ये रोज़ हमारे घर का वाला है शायद, ये नर्सरी वाला नहीं, ये घर का ही है। तो इसको उठा कर मतलब होने के लिए रख दिया था। बहुत मुश्किल होता है ये लोकल वाला मतलब प्लांट करने में, होता ही नहीं है। फिर से ये वाला एक प्लांट, इसको कहीं पर भी रख दो ये हो जाता है। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका लीव्स इतना ऐसा लगता है कि नेचर कैसे बनाते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल है। थोड़ा थोड़ा वाइटिश और ग्रीन का मिक्स था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये वाला प्लांट। फिर से ये आ गया हमारा हीरो। फिर ये इधर है एक वाइट, क्या बोलूँ, रोज़। ये नर्सरी से लाए थे, ये वाइट रोज़ है। फिर से आके यहाँ पे एक सेम प्लांट, इसका नाम नहीं पता। और इधर एक है, ये बड़ा प्लांट होते हैं या फिर फ्लावर होते हैं मुझे नहीं पता। ये कॉर्नर में है, ये इसका ऐसा वाला फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा।
उफ, टायर्ड हो गई मैं। और ये जो है ना, मुझे इसका असमिस नाम भी पता नहीं है, इंग्लिश भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये एक प्लांट है, थोड़ा बड़ा होता है, मतलब एकदम ट्री जैसा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उससे छोटा होता है। लेकिन इसका ना वाइट वाइट फ्लावर आते हैं। दिस वन इज़ माई स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे दी थी इसको प्लांट करने के लिए। और फिर मैंने प्लांट किया था। इधर देखिए, एक बर्ड का वो भी है, बर्ड है शायद, डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे वो सीडलिंग होने के लिए दिया है। हाँ, ऐसे रखने से ना क्या होता है कि टब में अगर सीड देके ना ऐसे रखते हैं तो पानी की इतना ज़रूरत नहीं होती, वो मॉइस्चर को कैप्चर करके ना अंदर ही रखते हैं। मतलब मॉइस्चर, मतलब क्या बोलो, ड्राई नहीं हो जाते वो सीड, तो सीडलिंग ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक बार दिखाती हूँ, क्या है ये मुझे नहीं पता। और इसका, ओ अच्छा, प्रोपगेट किया था, इसका लीव्स आ गया। अच्छा, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एक फिर से हमारा कॉमन वाला प्लांट, ये फिर से एक कुछ प्लांट, और इसका भी फ्लावर आते हैं बहुत ही अच्छा। मैं यहाँ पे मनी प्लांट के लीव्स को वॉश कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, उसके ग्रोथ में इफेक्ट करता है। मैं रेडी हो गई हूँ, कुछ नहीं किया, मेरा बाल गीला है अभी भी। मैं हेयर ड्रायर ऐसा यूज़ नहीं करती, समर टाइम में तो यूज़ करती ही नहीं। विंटर पे अगर मॉर्निंग को वॉश किया तभी यूज़ करती हूँ, इतना अच्छा नहीं होता है। सिर्फ मैंने लिप टिंट लगाया और क्या लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया और कुछ भी नहीं। और ड्रेस पहन लिया, ये क्यूट सा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रास्ते में मिलते हैं, यू नो, बाय बाय। जैसा मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हम लोग आंटी के घर जा रहे, तो वही जा रहे थे। बाय बाय। हम लोग आंटी के घर से रिटर्न आए थे। ये पूजा देखिए, हर मतलब हर जगह पूजा है, पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। हम लोग बचपन से ही देखने जाते थे, बहुत अच्छा लगता था हमें, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ ना शायद 10 किड्स थे और मैंने उन लोगों के साथ इतना खेला। वो लोग भी मुझे मतलब कहीं भी मतलब जाने ही नहीं देते थे, उन लोगों के साथ ही मैंने बहुत खेला, तो इसलिए मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और डायरेक्ट मैं जब रिटर्न हुई तभी दिखा दिया। अभी बज रहा है 8 PM और हम लोग घर आ गए। अभी मॉर्निंग को ही गए थे, पूजा के वजह से बहुत ट्रैफिक है, इसलिए इतना मतलब टाइम लगा और बहुत टायर्ड हो गया। अभी डिनर करूँगी, सो जाऊँगी। दीदी भी घर आई है पूजा वैकेशन में, वो यहाँ पे ही रहेंगे, तो कल मिलवाते हैं उनसे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ करने को है नहीं क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी। मेरा फ्रेशर्स का ना थकान मतलब ख़त्म ही नहीं हो, मतलब हो पा रहा है। इसके बाद मतलब कुछ ना कुछ के बाद मतलब कर ही रहे हो कुछ भी। मेरा हिंदी सुन के मुझे ही हंसी आ रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में भी हिंदी नहीं थे, मतलब कुछ क्लास तक ही मैंने पढ़ी थी, तो इतना नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। कमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर कुछ आइडिया शेयर करेंगे वो मैं आइडिया यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगी। कुछ अगर अच्छा भी नहीं हुआ वो भी बोल दीजिएगा, उसको ठीक करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।